कैसी आवाजें आ रही हैं। तुम मुझे ये बताओ कि ये रात के इस पहर में माँ बेटी क्या खास बात कर रही हैं? वो कुछ नहीं कदूस, वो मैं पानी लेने आई थी तो इत्तेफाक से रानिया भी उठी हुई थी। अब आप चले कमरे में, मैं पानी लेकर आती हूँ। अम्मी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज अब्बू को मत बताइएगा। मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो जबरदस्ती आया था। आप खुदा के लिए अब्बू को मत बताइएगा, आप प्लीज अब्बू को कुछ नहीं बताइएगा। तुम्हें अपने अब्बू का ख्याल और डर होता तो तुम ये हरकत करती? अम्मी, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। वो गेट के बाहर आ गया था, उसने बोला अगर मैं बाहर ना आई तो अंदर आ जाएगा। अब मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया, आप मेरी बात समझने की कोशिश कर। बस रानिया, सुबह बात करूंगी मैं तुमसे, अभी मैंने तुम्हारे अब्बू के लिए पानी लेकर जाना है। अभी मैं आपको बता रही हूँ, वो जबरदस्ती। मुझे यकीन है रहा, मेरी मोहब्बत जरूर जीतेगी। देखना, मोहब्बत के सामने सबको हारना ही पड़ेगा। और मेरे अम्मी अबू यहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक तुम्हारा रिश्ता फाइनल ना हो जाए। ये रानिया अभी तक क्यों जाग रही है? वो जो कुछ हुआ है वो उसकी वजह से परेशान है, शर्मिंदा है। बात तो परेशानी और शर्मिंदगी वाली है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ये सब कुछ मेरे ही घर में क्यों हो रहा है। आप परेशान ना हो कद्दूस, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने रानिया को समझा दिया है कि वो राहिल को भूल जाए, वो अच्छा लड़का नहीं है और ना ही उसकी फैमिली इस काबिल है कि उनसे कोई भी रिश्ता जोड़ा जाए। फिर क्या कहा है उसने? जी जी, मेरी बात समझ आ गई उसे। आप परेशान ना हो, सो जाएं आप।